कानून के जरिए होगी सजा, रसूल की एक ही सजा, कानून के जरिए होगी सजा, रसूल की एक ही सजा, कानून के जरिए होगी सजा। अरे रिसाले, अरे रिसाले, मुस्तफा रसूल की एक ही सजा, कानून के जरिए होगी सजा, मुस्तफा रसूल की एक ही सजा, कानून के जरिए होगी सजा, मुस्तफा रसूल की एक ही सजा, कानून के जरिए होगी सजा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि कल ऐलान किया गया था मिन जानिब जहनुमा की आवाम की जानिब से, ये मजनून नरसिंह आनंद के खिलाफ जो है ना प्रोटेस्ट रैली थी। दूसरा मुद्दा नहीं है, बीजेपी और आरएस के जरिए ही ये चलाया जा रहा है, इसको कड़ी से कड़ी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इसके ऊपर इसको जेल में डालकर इसके आखिरी सांस तक जेल में रखा जाए, ताकि फिर कोई जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के बारे में सोचे भी नहीं। मेरी गुजारिश है कि रैलियों की शक्ल में रहने दो, या नहीं तो जो है ना अलहदा अलहदा बस्ती के मस्जिद कमेटी के पाँच पाँच लोग, दो दो लोग, तीन तीन लोग, इवन एक आदमी भी जाके कंप्लेन अपनी लेके जाके जो है ना अपने एरिया पुलिस में दर्ज करवाए। दर्ज करवाने से होगा ये कि हुकूमत के ऊपर प्रेशर बनेगा, प्रेशर बनने से इंशाल्लाह हमारा हम जो चाहते हैं वो होगा। हम हुकूमत से यही हमारा मुतालबा है कि उसको जेल में डाल के भूल जाना, उन्हें मेरे सत्ता के फिर जो है ना कोई इसके बारे में सोचना नहीं, किसी की हिम्मत नहीं होना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।